वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने का सेकेंड मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। तो हम सीधा चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस पर, कब यूज लेते हैं सब के वो सारा पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन के लिए यूज आता है? लिक्विड प्लस लिक्विड मिक्सचर्स में दोनों लिक्विड होने चाहिए। सेकंड क्या है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए। मिसिबल का मतलब एक दूसरे में बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं, हमें अलग अलग लेयर नहीं बनाए। तीसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, उससे कम होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने ठीक मेरे पहले वाले वीडियो में बता रखी है जहां हमने पढ़ा था सिंपल डिस्टिलेशंस। यदि आपने उसको नहीं देखा तो ठीक इससे पहले उसको देख लें आप, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहां मैंने डायग्राम भी बनाया है और डायग्राम को समझाया भी है। अब ये तीन कंडीशंस है इसकी। तो प्रिंसिपल क्या हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस का, टू सेपरेट ए लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स विच आर कंप्लीटली मिसिबल इन ईच अदर्स एंड हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशंस है। अब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है हमारे पास, बहुत बढ़िया है, एल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड है वाटर, जिसका है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। एक और बच्चों ना, चाहे डिफरेंस 25 से ज़्यादा हो चाहे कम हो, यदि आप बहुत बढ़िया तरीके से किन्हीं भी दो लिक्विड्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो ये मेथड सिंपल डिस्टिलेशन से भी बढ़िया है। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या इसका डायग्राम आते हैं। तो वहाँ मैंने थोड़ी गर्दन थोड़ी बड़ी बना दी थी उस फ्लास्क की, तो यहाँ मैं गर्दन थोड़ी छोटी बनाऊँगा। ये गर्दन है किसकी है, राउंड बॉटम फ्लास्क की है। ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूँ आर, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका एक और नाम क्या था, डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कह देते हैं इसको, डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब यहाँ क्या था, वोयल गोज थी, छलनी थी, इसमें से हम यहाँ बीच में क्या था, पेपर जैसा कुछ लगा रहता है जो रियल में एस्बेस्टस का बना होता है। यहाँ ट्राइपोड स्टैंड है और यहाँ बर्नर है, बर्नर से हम इसको गर्म करेंगे। और अब ये नेक थोड़ी इसकी बड़ी बन गई है, बड़ी का मतलब लंबी नहीं है, बड़ी ज़रूर बन गई है, तो नेक थोड़ी छोटी कर देते हैं इसकी हम। गर्दन थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए गर्दन, तो ये गर्दन थोड़ी छोटी कर दी बच्चों, ये यहाँ तक है। अब आते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर एक इस तरह का एक ट्यूब लगी रहती है, ट्यूब, ग्लास की ट्यूब, और उस ग्लास की ट्यूब का नाम है, यही मेन है। अब गर्दन जो है लंबी तो होगी लेकिन ये ट्यूब लगी हुई है और यही बेसिक है। और इसके ऊपर तो मैं कोक लगा देता हूँ बच्चों, इसके ऊपर हमने यहाँ मान लो कोक लगा दिया। यहाँ जो है ये गर्दन जो है ये जो ट्यूब है इसके ऊपर यहाँ से एक साइड ट्यूब निकली हुई है ऐसी, ये साइड ट्यूब है। और यहाँ हमने क्या लगा दिया है, ये कोर्क लगा दिया है, कोर्क के अंदर बोर करके क्या लगा दिया है, जैसे उसमें लगा हुआ था थर्मामीटर लगा दिया है। और ये जो इसके बारे में बाद में आऊंगा क्या है, ये जो साइड की ट्यूब है इसे कहते हैं साइड ट्यूब। साइड ट्यूब के अंदर क्या लगा हुआ, आगे लिविंग कंडेंसर यानी कंडेंसर लगा हुआ है। तो मैं कंडेंसर की पहले क्या बना दूं स्ट्रक्चर, ये कंडेंसर ऐसा होगा, बस बस पास 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 पास, यहां जाके गड़बड़ हो गई है, ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ एक क्या होगा, रिसीवर फ्लास्क होगा जो रिसीव करेगा जो भी लिक्विड आएगा। अब ये अंदर की रिफिल जैसी ट्यूब हो गई, इसके ऊपर का जो जैकेट है वो ये है, ये जैकेट बना देता हूँ यहाँ पर, ये जैकेट है। इस जैकेट में क्या होगा, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी वापस बाहर आएगा। यहाँ कौन जाएगा अंदर, कूल वाटर, और यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, आउट है ये वाटर। अब आते हैं इसके अंदर, यहाँ क्या है, इसका नाम है फ्रैक्शनल कॉलम है, ये
याद, हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम है। कॉलम का मतलब एक छोटा सा पार्ट है, और इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के फ्रैक्शनल कॉलम आते हैं। वो डिपेंड किस पे करते हैं कि हम जो लिक्विड सेपरेट कर रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है। कितने का मतलब है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 से कम तो है, लेकिन कम कितना है, तो उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के फ्रैक्शनल कॉलम आते हैं। हमने जो यहाँ कॉलम लिया है, हम मान लेते हैं कि ये इसके लिए लिया है, तो यहाँ क्या होगा, बीड्स होंगी। बीड्स का मतलब ग्लास की गोलियाँ होंगी, जैसे कंचे होते हैं, यहाँ ग्लास की गोलियाँ भरी हुई होती है, और इस तरह से भरी हुई होगी कि ये ग्लास की गोलियाँ जो हैं, जो ग्लास बीड्स है, वो नीचे नहीं आएगी। नीचे का मतलब इसके अंदर आके नहीं गिरेगी, इसके अंदर, और ये ग्लास बीड्स है, ये ग्लास की बीड्स है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। अब भी हमारा अभी अंदर तो हमने कुछ भरा ही नहीं, खाली है सर, किसका करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ कौन कौन है, वाटर है प्लस अल्कोहल है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अल्कोहल का 78 डिग्री है सेल्सियस है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 22 है। अब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं। जो ही हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, पहला काम क्या होगा, मान लो हमने गर्म करते करते इसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, केवल अल्कोहल की वेपर बनेगी, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो 78 था, वाटर बॉइल नहीं होगा, अल्कोहल की वेपर आएगी, धीरे 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 ऊपर आएगी, ऊपर आके इन ग्लास की बीड से टकराएगी। क्या होगा, जो ही ये ग्लास की बीड से टकराएगी तो अपनी कुछ हीट एनर्जी ये ग्लास बीड्स को सप्लाई कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी, तो ग्लास बीड्स का टेम्परेचर बढ़ेगा और इनका एसीटोन की वेपर का टेम्परेचर, एसीटोन नहीं, अल्कोहल की वेपर का टेम्परेचर कम होगा। कम होके मान लो 78 डिग्री था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी वेपर का, किसी भी लिक्विड की वेपर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो अल्कोहल ऊपर आ रहा है उसका जो टेम्परेचर है, अल्कोहल की जो वेपर ऊपर आ रही है उसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है। जब ये इस ग्लास बीड से टकराएगी अपनी, इसने कुछ हीट उन ग्लास बीड्स को ट्रांसफ़र कर दी, तो इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। कम होते ही ये वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वो लिक्विड वापस इसके साइड से नीचे आके इसमें मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे ये पोर्शंस क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने एसीटोन ने अपनी कुछ हीट इसको ट्रांसफ़र कर दी थी। और ये प्रोसेस मान लो 80 डिग्री से आपने 90 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, तो क्या होगा, अभी भी वाटर तो वेपोराइज नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल की वेपर बनती जाएगी। अब ये पोर्शंस तो गर्म हो गया, अब एसीटोन की वेपर, अल्कोहल की वेपर यहाँ तक आएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी हीट का कुछ पोर्शंस इन ग्लास बीड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। ये ग्लास बीड धीरे धीरे गर्म होती जाएगी, धीरे धीरे हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और कौन आएगी, एसिड अल्कोहल की वेपर ऊपर आएगी, अल्कोहल की वेपर अब यहाँ तक पहुँचेगी, अल्कोहल की वेपर, क्योंकि ये पोर्शंस तो पूरा गर्म हो गया है, तो यहाँ अल्कोहल हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, अब अल्कोहल की वेपर यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस वाले पोर्शन तक पहुँच जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या काम होगा, वाटर भी बॉयल होगा, वाटर की भी वेपर बनेगी, और उस वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, वो यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, इन बीड्स का टेम्परेचर अभी 78 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, क्योंकि अभी तो ये एसीटोन इनको हीट ट्रांसफ़र कर रहा था, अब वाटर की वेपर ऊपर आ रही है, और वाटर की वेपर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ग्लास की बीड्स वाटर की वेपर से भी कुछ हीट लेगी। जब वो वाटर की वेपर से हीट लेगी तो वाटर की वेपर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएगी। लेकिन अब इनका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, 80-90 डिग्री तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि वाटर की वेपर इनके कॉन्टैक्ट में आ रही है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। एसीटोन भी आ रहा है, वाटर की वेपर भी ऊपर आ रही है, दोनों की वेपर ऊपर आएगी, अल्कोहल की, मैं बार बार एसीटोन नाम ले लेता हूँ, अल्कोहल और वाटर दोनों की वेपर ऊपर आएगी। फाइनली क्या होगा, एसीटोन की वेपर, अल्कोहल की वेपर यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते तो यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि इन पूरी ग्लास बीड्स का जो टेम्परेचर है वो अब इतना ज़्यादा हो गया है कि 78 डिग्री सेल्सियस पर भी अल्कोहल यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो
इसके बाद यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो है, अब हम टेम्परेचर को 100 डिग्री कांस्टेंट रखेंगे, अब हम टेम्परेचर्स को बढ़ने नहीं देंगे, या इतना कांस्टेंट रख लिया हमने तो धीरे धीरे क्या होगा, एसीटोन की वेपर यहाँ तक पहुँच जाएगी, वाटर की वेपर यहाँ तक रहेगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आते आते वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और यहाँ कौन से लिक्विड की वेपर रहेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये जो पोर्शन है इसका टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ कौन सी रहेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तो होगा क्या, एसीटोन की वेपर इस पूरे बेरियर को, इस पूरे क्रॉस को क्रॉस करके यहाँ आ जाएगी, और जब यहाँ आएगी तो यहाँ क्या सप्लाई हो रहा है, कूल वाटर। ये कूल वाटर क्या काम करेगा, इसकी वेपर को कंडेंस कर देगा। ये है क्या, ये कंडेंसर है, इसका एक और नाम क्या है, लिबिंग कंडेंसर है, लिबिंग कंडेंसर भी है। और क्या काम होगा, यहाँ आते आते ये यहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, और यहाँ हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल, हमें यहाँ अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ जो भी मिलता है हम उसे कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, पार्ट, इस पूरे मिक्सचर्स में से हमें एक पार्ट मिल गया है, इसीलिए कहते हैं इसको फ्रैक्शन। जब दूसरा मिलेगा तब सेकंड फ्रैक्शन, तीसरा मिलेगा थर्ड फ्रैक्शन, दो से ज़्यादा लिक्विड हुए तो बहुत सारे फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। अब टेम्परेचर 100 ही रखा, 90 रख लें आप, जितना भी आप चाहें। अब यहाँ पर एसीटोन हमें मिलना शुरू हो जाएगा, जब एसीटोन की सारी ड्रॉप्स हमें मिल जाए, यहाँ ड्रॉप मिलना बंद हो जाए, इसका मतलब एसीटोन पूरा सेपरेट हो गया है, और आप इस कॉनिकल फ्लास्क को या इस सेपरेटिंग कंटेनर को हटा लें। अब यहाँ पर आप दूसरा कंटेनर लगा दें। अब ये जो बीड्स है इतनी गर्म हो गई है, और यदि आप टेम्परेचर्स को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, भले ही वाटर का टेम्परेचर्स नहीं बढ़े, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो लेटेंट हीट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ते ही क्या होगा, अभी इनको क्रॉस करते करते यहाँ आ जाएगी। फर्स्ट फ्रैक्शन आपको मिल गया है, अब यहाँ वाटर की वेपर जब पहुँचेगी तो वो यहाँ आएगी, यहाँ आके वो कंडेंस होगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी और यहाँ मिल जाएगी। तो वाटर जब हमें मिलेगा तो वो क्या है, इसका सेकेंड फ्रैक्शन है। तो हमें दो अलग अलग फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, पहला फ्रैक्शन किसका मिला, अल्कोहल का, सेकंड किसका मिला, वाटर का। ध्यान क्या रखना है इस डायग्राम में और सिंपल डिस्टिलेशन में किस चीज़ का डिफरेंस है, फ्रैक्शनल कॉलम का है। यही कॉलम क्या काम करता है, यहाँ क्या भरे हुए होते हैं, बेरियर्स होते हैं। बेरियर्स ज़्यादा होंगे या कम होंगे किस पे डिपेंड करेगा, हम जिन लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है। ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल भी हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आया होगा बच्चों। अब हम अगले में क्या पढ़ने वाले हैं, इसी डायग्राम का, इसी मेथड की एक एप्लीकेशन है, वो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, इस मेथड का यूज़ लेते हुए बच्चों। थैंक यू बच्चों।